स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है HMT की क्लास में। पिछले दो वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक पे हैं? जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक, दो वीडियो में बताए हैं, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन अपना आ जाएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में, इसका पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? हम लोगों को इक्वेशन मिल गया था, एक डी क्यू डैश एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू थी जिसको हमने माना था इक्वेशन नंबर 4, डी क्यू डैश वाई 5 डी क्यू डैश जेड 6 इक्वेशन तक, 6 इक्वेशन हम लोग बना लिए थे। ये इक्वेशन हम लोगों को चौथा मिला कैसे था? जब हम सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को घटाए थे तो हमको चौथा इक्वेशन मिला था। ठीक, और जैसे चौथा मिला था वैसे ही हमको हम पांचवा छठवां लिख दिए थे y और z के फॉर्म में। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अभी हम इसके आगे चलते हैं। और ये था क्या चौथा पांचवा इक्वेशन? नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन x डायरेक्शन y डायरेक्शन z। x में कितना नेट हीट एक्यूमुलेट हुआ था, y में कितना हुआ था, z में कितना हुआ था, वही चीज आपका चौथे पांचवें छठवें में था। एक, तो चलिए इसके आगे बताते हैं। अब एक्स वाई जेड में था तो आपको क्या निकालना है? नेट हीट एक्यूमुलेटेड, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द वॉल्यूम एलिमेंट। क्या निकालना है? नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द वॉल्यूम एलिमेंट। एक, कितना हीट एक्यूमुलेट हुआ वॉल्यूम एलिमेंट में, वो निकालना है। उसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा? जो चौथा पांचवा और छठवां इक्वेशन है उसको क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। तो हमको जो ये हीट मिलेगा एक्यूमुलेटेड का इकट्ठा हुआ वो क्या होगा? सभी डायरेक्शन में मिला के मिलेगा, मतलब कि x, y और z। ठीक, आप इसके आगे चाहिए तो लिख भी सकते हैं, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द वॉल्यूम एलिमेंट फॉर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, इन All directions, सभी दिशाओं में। ठीक, अब वो है क्या आपका डायरेक्शन? x, y, z। ये मिलेगा कैसे आपको? ये बताने के लिए केवल लिख रहा हूं यहां पे, आप अपनी कॉपी में जब लिखिएगा तो ये चीज ना लिखिएगा कि क्या कहते हैं एक ऐड किया जाएगा चाहिए है, बस बताने के लिए, समझाने के लिए। ठीक, वो क्या है? इक्वेशन जो फोर था, फाइव था और सिक्स था, इसको क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा, ऐड इक्वेशन। ठीक, ऐड इक्वेशन फोर फाइव सिक्स, तीनों को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। ठीक, तो इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिए चौथे और पांचवें और छठवें को। ठीक है, चौथे पांचवें और
छठवें को ऐड कीजिए। ये नेट हिट एक्यूमुलेटेड जो था उसको हमने किससे डिनोट किया था, ए से, उसको हमने डिनोट किया था ए से। तो हम ए इक्वल टू डी क्यू डैश एक्स प्लस डी क्यू डैश वाई प्लस डी क्यू डैश जेड, ये लिख सकते हैं ना। यही नेट हिट एक्यूमुलेटेड होगा वॉल्यूम एलिमेंट में, यही हिट होगा, ठीक है। दैट इज एड इक्वेशन 4, 5, 6। अब सही है, एड करते जाइए, उससे आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो डी क्यू डैश एक्स क्या था, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ल बाई कर्ल एक्स के एक्स डेल टी बाई डेल एक्स, ठीक, डेल कह लीजिए कर्ल कह लीजिए, कर्ल बाई कर्ल एक्स के एक्स कर्ल टी बाई कर्ल एक्स, ठीक। इसके आगे क्या था, के एक्स के वाई के जेड, ठीक, सभी दिशाओं में उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी थी वो थी, कर्ल बाई कर्ल एक्स के एक्स कर्ल टी बाई कर्ल एक्स के एक्स के वाई के जेड, ठीक। उसके बाद क्या था, देखिए एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, के एक्स तो हम लिखे ही हैं ना, के एक्स लिखे हैं कर्ल बाई कर्ल एक्स के एक्स डेल टी बाई डेल एक्स, इसके साथ क्या था, वॉल्यूम एलिमेंट था, वो वॉल्यूम एलिमेंट क्या था अपना, वॉल्यूम जो था डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टाउ, ठीक, डी टाउ टाइम इंटरवल के लिए। ये जो चीज लिखे हैं ये हम किसके लिए लिखे हैं, डी क्यू डैश एक्स के लिए, चौथे इक्वेशन में, चौथा इक्वेशन जहां पे आप लिखे हैं अपनी कॉपी में, वहां पे जाइए देखिए डी क्यू डैश एक्स इक्वल टू ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, कर्ल बाई कर्ल एक्स के एक्स कर्ल टी बाई कर्ल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टाउ। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, डी क्यू डैश वाई, ये क्या हो जाएगा, कर्ल बाई के वाई डेल टी बाई कर्ल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, ठीक। ये हमने किसको लिखा है, डी क्यू डैश वाई के जगह पे इतनी चीजें लिखी हैं, प्लस लगाए, अब क्या लिखना है हमको, डी क्यू डैश जेड, ये जेड के फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम आगे यहां पे लिख देते हैं, कर्ल वाई कर्ल जेड के जेड डेल टी वाई डेल जेड, कर्ल टी बाई कर्ल जेड, ठीक, ये लिखे डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डी टाउ इंटू डी टाउ, हो गया ये चीज भाई। हमने ए की जगह पे डी क्यू डैश एक्स लिख दिया, डी क्यू डैश वाई लिख दिया, डी क्यू डैश जेड लिख दिया, ये क्या था, नेट हिट एक्यूमुलेटेड था किसमें, एक्स डायरेक्शन में, ये क्या था, नेट हिट एक्यूमुलेटेड था किसमें, वाई डायरेक्शन में, वाई कोऑर्डिनेट में, ये क्या था, नेट हिट एक्यूमुलेटेड इन जेड डायरेक्शन या जेड कोऑर्डिनेट। हम क्या निकाले हैं, नेट हिट एक्यूमुलेटेड इन द वॉल्यूम एलिमेंट इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, चाहे ये एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, किसी भी दिशा में हो, तो उसके लिए x y z
तीनों दिशाओं को मिला के, तो तीनों का जब मिलाएंगे तो क्या किया जाएगा, तीनों को ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो लिखे हैं इसको कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है, सिंप्लीफाई किया जा सकता है, किया क्या जा सकता है, डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, यहां पे भी है डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, यहां पे भी है डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, यहां पे भी है। ठीक, क्या किया जाएगा, इन तीनों को क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है, इन तीनों को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक, तो देखिए क्या होगा, कॉमन लेके अगला स्टेप लिखिए, डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ को कॉमन लीजिए और अगला स्टेप लिखिए क्या होगा। ठीक है, अभी तक 6 इक्वेशन हम लोग बनाए हैं, इस इक्वेशन में 6 इक्वेशन बना चुके हैं। क्या लिख सकते हैं इसके बाद, इसके बाद लिखें ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, a इक्वल टू कर्ल बाई कर्ल बाई कर्ल एक्स के एक्स कर्ल टी बाई कर्ल एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये चीज तो हमको कॉमन लेना है, तो उसको तो हम लिखेंगे नहीं अभी, इसमें वाले में ये कॉमन होगा तो बचेगा क्या, ये वाला हिस्सा कर्ल बाई के वाई कर्ल टी बाई कर्ल वाई, लिख लीजिए कर्ल बाई के वाई कर्ल टी बाई कर्ल वाई, ये तो कॉमन होगा। अब जेड वाले में आ जाइए, ये कॉमन होगा डी एक्स डी वाई डी जेड और डी टाउ, ये कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये वाली चीज, इसको लिख लीजिए कर्ल वाई कर्ल जेड के जेड कर्ल टी बाई कर्ल जेड, एक हो गया इतना, यही चीज था ना। अब कॉमन क्या लिए थे हम इसमें, डी एक्स डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, ये हम क्या लिए थे, कॉमन लिए थे डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, इसको ऐसे लिख दिए। कोई गलत है इसमें, कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से, देख लीजिए आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इसको हम मान लिए इक्वेशन 7, 6 तक माने थे अभी, ये क्या हो गया इक्वेशन 7। अब देखो हम इसको देख के इसको लिखे हैं, ठीक, इसलिए अब इसको मिटा देते हैं, ये तो लिख चुके हो, इसको लिख लो, इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि अगला स्टेप आएगा तो इसके नीचे आएगा ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। ए निकल गया, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ए निकल गया अपना, बी निकालना था, और ए और बी किसके इक्वल होगा था, सी के, वही था अपना पहला इक्वेशन। तो अब देखिए क्या है, नेट हीट जनरेटेड इन द वॉल्यूम एलिमेंट, कितना हीट जनरेट हुआ था, हम बताए थे ना,
हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को किससे डिनोट किया गया था? हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को डिनोट किया गया था स्मॉल क्यू सफिक्स जी से, ठीक। लेकिन आपको वॉल्यूम एलिमेंट के लिए निकालना है तो क्या होगा उसमें? उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा, तीनों दिशाओं में निकालना है ना, तीनों डायरेक्शन में निकालना है, एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों में निकालना है। तो क्या होगा, एक्स वाले से, वाई वाले से, जेड वाले से मल्टीप्लाई होगा, कितने टाइम इंटरवल के लिए निकालना है? डी टाउ के लिए, तो उससे भी मल्टीप्लाई होगा। अब वो जो निकलेगा वो क्या होगा अपना? नेट हीट जनरेटेड इन द वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक। तो इसको लिखेंगे क्यू डैश सफिक्स जी इक्वल टू क्यू जी डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ। ठीक, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 8, ये क्या हो गया इक्वेशन 8, और ये जो चीज निकला है नेट हीट जनरेटेड इन द वॉल्यूम एलिमेंट, इसको हम स्टार्टिंग में किससे डिनोट किए थे? कैपिटल बी से। किससे डिनोट किए थे? कैपिटल बी से। अब ए निकल गया, बी निकल गया, अब क्या बचा? सी। सी क्या था? एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट। एलिमेंट में कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है? लिखिए, इन द एलिमेंट, ये क्या था? कैपिटल सी। ये क्या था? कैपिटल सी। क्या होगा ये बताइए? एनर्जी स्टोर्ड, ठीक, एनर्जी स्टोर्ड करना है, ठीक। यहां पे हम लोग कौन सी, किस फॉर्म की एनर्जी की बात कर रहे हैं? यहां पर ढका है हीट की ना, ये जो इक्वेशन निकाल रखा है ये किसके लिए निकाल रखा है? हीट के लिए, हीट के लिए। तो ये जो एनर्जी निकलेगी वो किस फॉर्म में होगी? हीट के फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? हीट के फॉर्म में होगी। और हीट के लिए, हीट के लिए जो फॉर्मूला होता है आपका वो आप जानते होंगे, क्या होता है? क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी। कोई डाउट है? एम क्या होता है? मास। सी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। और डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना अंतर हुआ है वो हो गया। क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब हम क्या किए, अब हम क्या किए, हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पे मास है ना, ये क्या है? मास है, ये क्या है? स्पेसिफिक हीट। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ये डेल्टा टी है, ये क्या है आपका? टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, Q इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू
डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये क्या है वॉल्यूम और ये क्या है डेंसिटी, हो जाएगा। अब वहां जहां मास है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो Q को क्या लिख सकते हैं हम, Q को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम C डेल्टा T। कोई डाउट है इसमें, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, M की जगह पे हम क्या लिख दिए भाई, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है। C क्या है, स्पेसिफिक हीट है, डेल्टा T है टेंपरेचर का डिफरेंस है, ये हो गया रो वी सी डेल्टा टी। अब यही जो क्यू है, यही जो क्यू है, यही तो स्टोर हुआ है एलिमेंट सी में, यही जो क्यू है हीट है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही जो हीट है यही तो उस एलिमेंट में, वॉल्यूम एलिमेंट में इकट्ठा हुआ है। ठीक, तो अब ये चीज हमको लिख देना है, रो मतलब डेंसिटी, वॉल्यूम की जगह पे सी डेल्टा टी और टाइम जो भी है। तो देखिए आगे क्या होगा, ठीक, ऊपर का वाला हिस्सा मिटाते हैं, नीचे वाला कहने देते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये अपना सातवां इक्वेशन है, ये अपना आठवां इक्वेशन है। ठीक, क्योंकि अब ये सातवां आठवां और एक आएगा अपना नौवां इक्वेशन, और उसी को हम पुट कर देंगे पहले इक्वेशन में, उसी को पुट किया जाएगा पहले इक्वेशन में। तो ये ध्यान दीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। लिखेंगे हम, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C मतलब Q, Q था ये क्या था, हीट था, वही हीट क्या है एनर्जी का एक फॉर्म है, वो एलिमेंट में इकट्ठा हुआ है, स्टोर हुआ है, इसको हम किससे डिनोट किए हैं, सी से। स्टार्टिंग में पहला इक्वेशन देखो, थोड़ा भी डाउट है तो पहला इक्वेशन देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन माने थे ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो ए क्या था, बी क्या था और सी क्या था। ठीक, तो हम मान लो यहाँ पे लिख देते हैं सी, सी नहीं लिखेंगे तो हमको ये चीज टोटल लिखना होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट सी। ठीक, वो क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, सी, सी क्या था, स्पेसिफिक हीट, इसके अलावा क्या है, डेल्टा टी, इसको क्या लिखेंगे, डेल टी बाई कल टी बाई कल टाउ, कल टी बाई कल टाउ इंटू डी टाउ, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट किया गया है टेम्परेचर को टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो सात और आठ इक्वेशन था, ये क्या हो गया नौ इक्वेशन, नाइन्थ इक्वेशन, ये हो गया नाइन्थ इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन सेवन एट नाइन की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करनी है। ठीक है, पुट या ऐसे लिख लीजिए बाई, ऐसे लिख लीजिए बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ
by putting the value of equation 7, 8 and 9 in equation first, we get by putting the value of equation 7, 8 and 9 in equation first, we get. जब हम वैल्यू पुट करेंगे 7, 8, 9 का इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम पाएंगे, ठीक, हम पाएंगे क्या पाएंगे वो भी पता चलेगा. चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको आगे लिख लीजिए. हम पाएंगे क्या, a प्लस बी इक्वल टू सी, यही था अपना इक्वेशन फर्स्ट. ए क्या था, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द वॉल्यूम एलिमेंट. ए क्या था, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है. बी क्या था, बी था आपका हीट जनरेटेड, एक सी क्या था, एनर्जी स्टोर्ड. ये सब किस में था, एलिमेंट में, किस में था, एलिमेंट में. ठीक है, ये था एलिमेंट में. तो पुट किया जाए a प्लस बी इक्वल टू सी, ठीक है. पुट कीजिए सातवें आठवें नौवें इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक. ये मैं ऐसे ही लिख दिया हूं. तो पहले a वाली वैल्यू हमको लिखनी होगी. a वाली वैल्यू कुछ आई थी, मतलब इक्वेशन सेवन वाली वैल्यू. इक्वेशन सेवन वाली वैल्यू क्या थी, कर्ल बाई कर्ल x इक्वेशन सेवन की वैल्यू क्या थी, ये इक्वल टू कर्ल बाई कर्ल x के एक्स कर्ल टी बाई कर्ल x प्लस कर्ल वाई के वाई कर्ल टी बाई कर्ल वाई प्लस कर्ल वाई कर्ल जेड के जेड कर्ल टी बाई कर्ल जेड, ठीक है. इसके अलावा क्या था, डी एक्स डी वाई डी जेड और डी टाउ. डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, ये टोटल वैल्यू क्या थी अपनी, ए की थी, ए इक्वेशन सेवन. अब क्या है, बी वाली वैल्यू ऐड करनी है. बी की वैल्यू क्या थी अपनी, बी की वैल्यू क्या थी, क्यू जी डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ, ये बी वाली वैल्यू थी. और ये किसके इक्वल थी, सी के, जो भी आया है इक्वेशन नाइन. वो क्या था इक्वेशन नाइन, क्यू इक्वल टू एमसी डेल्टा टी मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो एक वो एक डेंसिटी वॉल्यूम डी एक्स डी वाई डी जेड, एक क्या था सी. फिर टाइम को हमने डिफरेंशिएट किया था, टेम्परेचर को डिफरेंस किया था टाइम के रिस्पेक्ट में, डेल टी बाई डेल टाउ इंटू डी टाउ, यही हो गया. ये हम लिखे जानते हैं किसको है,
a प्लस बी इक्वल टू सी, और ये हमको मिला कहाँ पे था, इक्वेशन फर्स्ट में, स्टार्टिंग में ही लिखे थे, वही चीज है ये। सबकी वैल्यू आ गई है, a की वैल्यू आ गई है ये चीज, b की वैल्यू आ गई है ये चीज, और c की वैल्यू आ गई है ये चीज। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, dx, dy, dz, d tau, ये क्या है, कॉमन है। यहां पे भी है dx, dy, dz, d tau, यहां पे भी है dx, dy, dz और d tau, ठीक है। तो हम चाहें तो कॉमन लेके इसको कैंसिल कर सकते हैं भाई, यहां से ये कॉमन ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से ये कॉमन ले लिए, दोनों कैंसिल हो जाएगा। या एक चीज ये भी किया जा सकता है कि दोनों साइड पे dx, dy, dz, d tau से क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, डिवाइडिंग ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात देखी है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय dx, dy, dz और d tau, ठीक, डिवाइड किया जाएगा तब भी वो चीज खत्म हो जाएगी, कॉमन लिया जाएगा तब भी वो चीज खत्म हो जाएगी। जब ये चीज खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या, जो बचेगा उसको लिख दीजिए, जो बचेगा उसको लिख दीजिए, क्या बचेगा, कल वाई कल एक्स के एक्स कल टी वाई कल एक्स ठीक, यहां पे कल वाई कल वाई के वाई कल टी बाई कल वाई कल वाई कल जेड के जेड कल टी बाई कल जेड, ठीक है, इस साइड dx dy dz d tau क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, dx dy dz d tau ये भी कैंसिल हो जाएगा, dx dy dz d tau ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ये बचेगा प्लस यहां पे क्या बचेगा, qg qg, और यहां पे क्या बचेगा, रो c डेल t by डेल tau, रो c डेल t by डेल tau, ठीक है, यही चीज बचेगा, ये चीज आपकी बाकी कैंसिल हो जाएगी। ये जो इक्वेशन है, ठीक, ये जो इक्वेशन है इसको मान लीजिए इक्वेशन 10, ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन आपका क्या है, यही इक्वेशन आपका क्या है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक बाकी चीज मिटा दीजिए, बाकी चीज अब मिटा दीजिए, आ गया आपका यही जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन आपका क्या है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक, यही आपका पूछा था,
इसी का डेकोरेशन के लिए हम लोग किए थे, ठीक है। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, राइटिंग इक्वेशन 10 बाय यूजिंग वेक्टर ऑपरेटर, राइटिंग इक्वेशन 10 बाय यूजिंग वेक्टर ऑपरेटर। वेक्टर ऑपरेटर का जब यूज किया जाएगा इक्वेशन 10 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए वेक्टर का साइन आएगा, वेक्टर का साइन k वेक्टर t प्लस qg इक्वल टू रो c डेल्टी बाय कल्टाउ। ये दोनों चीज सेम है, इक्वेशन 10 और ये वाला चीज, ठीक। ये दोनों क्या है, सेम चीज है। ये वाली चीज भी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये वाली चीज भी आपकी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। बस डिफरेंस क्या है कि इस वाले इक्वेशन में आपने यूज किया हुआ है वेक्टर ऑपरेटर का, ठीक। यहां तक लिखेंगे तो भी सही है, अगर एग्जाम में आपसे पूछेगा कि वेक्टर के फॉर्म में लिखिए तो वेक्टर के फॉर्म में आप ये चीज लिख देंगे, बट पूछना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ्स तो सब्जेक्ट है नहीं, ये सब्जेक्ट है एचएमटी हीट एंड मास ट्रांसफर, बट ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई मैथ्स इसमें यूज होता है तो नहीं पूछना चाहिए, पूछेगा तो ये चीज लिख देंगे, नहीं भी लिखेंगे यहां तक लिखेंगे तो आपका सही होगा, बहुत मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, अभी तक ऐसा नहीं पूछता है, ठीक। पूछेगा वो, आप लोग एग्जाम में क्या होता है क्वेश्चन घुमा के पूछता है, ये इक्वेशन ही सीधे दे देगा, ठीक ना, वेक्टर के फॉर्म में आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, ठीक, और कहेगा कि डिराइव द इक्वेशन, पूछ देगा डिराइव द इक्वेशन, ऐसे पूछ देगा, ठीक है, इक्वेशन दे देगा या लिख देगा डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशन, नीचे इक्वेशन लिख देगा। तो जब आप जानते नहीं रहेंगे कि ये कौन सा इक्वेशन है तो आप कैसे डिराइव करेंगे, सिंबल विंबल देखेंगे, वेक्टर का साइन देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे कि क्या कहते हैं ये क्या पूछ दिया गया, जबकि वही पूछा गया है जो आपके सिलेबस में है और जो आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो इक्वेशन है जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन, ये आपका कुछ कंडीशन पे, कुछ एजम्पशन पे है, ठीक, कुछ एजम्पशन है उस पे ही ये जो 10th इक्वेशन है वो आया है। वो एजम्पशन क्या है, वो एजम्पशन क्या है ये देख लीजिए, मतलब एप्लीकेबल कब होगा, नॉन होमोजीनियस मटेरियल सेकेंड क्या है, सेल्फ हीट जनरेटिंग। थर्ड क्या है, अनस्टेडी थ्री डायमेंशनल हीट फ्लो।
अनस्टडी थ्री डायमेंशनल हीट फ्लो, ये एजम्पशन है, मतलब ये एजम्पशन है, ये चीज माना गया है पहले, ये चीज माना गया है तभी वो इक्वेशन आपका आया है, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या क्या माना गया है? नॉन होमोजीनियस मटेरियल, मटेरियल जो है वो किस टाइप का है? होमोजीनियस नहीं है। जब होमोजीनियस नहीं था इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी अलग अलग डायरेक्शन में क्या थी? अलग अलग थी। जैसे x के लिए कंडक्टिविटी क्या थी? kx। y के लिए कंडक्टिविटी क्या थी? ky। और z के लिए कंडक्टिविटी क्या थी? kz, थर्मल कंडक्टिविटी। वो अलग अलग थी ना, जब हम डिराइव किए हैं तो kx, ky, kz ये सब अलग अलग लिए हैं, तो अलग अलग थी, तो मतलब क्या है कि मटेरियल जो आपका लिया गया था वो क्या था? नॉन होमोजीनियस था, इसीलिए उसकी कंडक्टिविटी क्या है? अलग अलग है। इसके अलावा आप देखे होंगे इक्वेशन में अपना क्यूजी वाली चीज भी कुछ आई हुई है, ठीक, क्यूजी आया है ना, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? सेल्फ हीट जनरेटिंग, जो भी अपना वॉल्यूम था, जो वॉल्यूम था अपना, वॉल्यूम एलिमेंट, एक जो वॉल्यूम एलिमेंट था ये क्या था? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो सेल्फ हीट जनरेटिंग था और अनस्टेडी थ्री डायमेंशनल हीट फ्लो था। कितने डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा था? तीन में, एक्स में, वाई में और जेड में, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? थ्री डायमेंशनल था। अनस्टेडी मतलब क्या है कि एक समान नहीं था, एक समान नहीं था, इसीलिए हम टेम्परेचर को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कह रहे थे? डिफरेंशिएट कर रहे थे। इसलिए हम लोग टेम्परेचर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। आई बात समझ में? तो यहां पे आपका ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट समाप्त होता है, एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम देखेंगे इसके, ठीक है, इसके बेस पे कुछ और इक्वेशन डिराइव होंगे, वो देखा जाएगा। थैंक यू।